हाय फ्रेंड्स, मैं हेवाली, मेरी चैनल पे आपको स्वागत है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैंगो जैम की रेसिपी। इस जैम को बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आई हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस जैम को बनाने के लिए मैंने लगभग 700 ग्राम पके हुए आम लिया है। सबसे पहले हमें आम का छिलका निकाल लेना है। तो देखिए, मैंने तीनों आम का छिलका निकाल लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आम को काटने के बाद इसे ना धोए, पानी रहने से जैम ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, इसलिए आम को काटने से पहले ही धो लें। तो मैंने सारे आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें इस आम का प्यूरे बनाना है। आम का प्यूरे बनाने के लिए आम को एक मिक्सिंग जार पर ले ले, उसके बाद इसे बिना पानी ऐड किए आम का प्यूरे तैयार कर ले। देखिए, मैंने आम का प्यूरे बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस आम के प्यूरे को एक कढ़ाई पर ट्रांसफर कर लेंगे। आम के प्यूरे को कढ़ाई पर ट्रांसफर कर लेने के बाद आंच को मीडियम करके कंटिन्यूअसली चलाते हुए लगभग इसे 2 मिनट पका लेंगे। मीडियम आंच पर कंटिन्यूअसली चलाते हुए लगभग 2 मिनट पकाने के बाद देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब हमें इसमें 1 कप चीनी ऐड करके मिक्स कर देने के बाद कंटिन्यूअसली चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट पकाते रहेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट बाद जैम को एक बार चेक कर लेंगे। इसे चेक करने के लिए स्पूला से थोड़ी सी जैम को एक प्लेट पर ले ले, उसके बाद प्लेट को थोड़ी सी तिरछा कर दे। देखिए, जैम तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैम को हमें और थोड़ी देर पकाना है। जैम को लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग और 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसे और एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, इस बार जैम उतना तेज़ी से नीचे की ओर नहीं आ रहा है जितना पहली बार आ रहा था। जैम प्लेट पर स्टेडी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जैम को हमें और थोड़ी देर पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर जैम को मैंने लगभग और 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसे और एक बार चेक कर लेते हैं। इस बार देखिए, जैम को मैंने जैसे रखा है वैसे ही है। ये अपनी जगह से थोड़ी सी भी नहीं हिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैम हमारा रेडी है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नींबू का रस ऐड करके मिक्स कर देने के बाद धीमी आंच पर 1 मिनट के करीब पका लेंगे। तो फाइनली हमारा जैम बनकर तैयार है। अब इसे सेट करने के लिए किसी एक कांच के जार पर या किसी भी बर्तन पर जैम को उठा ले। मैं यहाँ पर कांच के बाउल पर जैम को उठा रही हूँ। यदि आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टर करना चाहते हैं तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में ही स्टर कर ले। तो मैंने सारा जैम उठा लिया है। अब हम इसे सेट होने के लिए 2 घंटा तक ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 2 घंटा तक जैम को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं आप लोगों को इस जैम को एक ब्रेड पर लगाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना परफेक्ट जैम बनकर तैयार है। आप भी ये बहुत ही कम खर्च में अपने बच्चों के लिए हेल्दी जैम आप अपने घर पर ही तैयार कर ले। तो
फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी ये रेसिपी? अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।